उत्तर प्रदेश के बदायूं में नकली नोटों के साथ तीन आरोपी हुए गिरफ्तार, 64,000 के नकली नोट और मोबाइल फोन बरामद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शराब के नशे में प्रिंसिपल पहुंचा स्कूल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों से की मारपीट। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गंडक नदी में 6 मछुआरे बहे, रेस्क्यू कर 3 मछुआरों को निकाला गया बाहर, नदी में मछली पकड़ने गए थे ये मछुआरे। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बस हादसे में घायल शिक्षिका और ड्राइवर की हालत हुई गंभीर, वाराणसी किया गया रेफर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, पेड़ की छटाई कर रहा था ये युवक। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूटी सवार महिला ने कांवड़ियों को मारी टक्कर, घायल कांवड़ियों को पहुंचाया गया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सिविल लाइन में सेना की गाड़ी फंसने से मचा हड़कंप, ट्रैफिक पुलिस की रिकवर गाड़ी थी, गड्ढे में फंसी, लंबा जाम लगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में जा घुसा, नाराज लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। सहारनपुर में कांवड़ियों की सुविधा के लिए कांवड़ सेवा ऐप लॉन्च की गई, ऐप के माध्यम से कांवड़ियों को मिलेगी सारी जानकारी। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए लगाए गए 25 स्वास्थ्य शिविर, करीब 200 डॉक्टर्स किए गए तैनात। यूपी के एटा में पुलिस ने फरार अपराधी को किया गिरफ्तार, शातिर अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में की गिरफ्तारी, हत्या के 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर हवाई चप्पल पहने के स्पाइडरमैन का चालान कट गया, कार पर चढ़कर स्टंट कर रहा था, फिर क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया के इस जमाने में आजकल लोगों पर वायरल होने का बुखार चढ़ा है, इसके लिए लोग कोई भी स्टंट करने को तैयार हैं। सोशल मीडिया के इस दीवानगी में एक युवक स्पाइडरमैन बनकर कार के बोनट पर सवार हो गया। स्पाइडरमैन की तरह ही उसने दिल्ली की सड़क पर स्टंटबाजी में वीडियो शूट कराया, इसके बाद वायरल होने की उम्मीद से उसने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल भी हुआ, लेकिन वायरल होते होते ट्रैफिक पुलिस तक जा पहुंचा। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी के नंबर से लड़के का पूरा बायोडाटा निकाला, जांच में पता चला कि स्पाइडरमैन की पोशाक पहने लड़के का नाम आदित्य है, जो दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। कार चलाने वाले की भी पहचान कर ली गई है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के इस स्पाइडरमैन का 26,000 का चालान काट दिया। फिलहाल दिल्ली के इस लड़के को स्पाइडरमैन स्टंट ने 26,000 का चूना लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए शुरू करते हैं दुनिया से बवाल। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध के लिए मांगा समर्थन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तारीफ भी की। चीन दौरे पर आए यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात, दक्षिण चीनी शहर मुंगयांगो में हुई दोनों के बीच मुलाकात। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का बर्लिन दौरा, बर्लिन के रक्षा मंत्री जॉन हिली से की मुलाकात, ब्रिटिश रक्षा मंत्री का हुआ जोरदार स्वागत। अमेरिका में एफबीआई प्रमुख को करना पड़ा सवालों का सामना, ट्रंप की हत्या की कोशिश में हुए सवाल जवाब। इजराइल ने गाजा के खान यूनुस शहर पर किया मिसाइली अटैक, हमास के कई ठिकानों को किया तबाह। फ्रांस की एयरफोर्स ने इंडोनेशिया में बनाया नया अड्डा, चीन की हर गतिविधि पर रखेगा नजर। यूक्रेनी राष्ट्रपति दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ शांति वार्ता को तैयार, रूस ने कहा कि वो यूक्रेन के शांति समझौते का इंतजार करेगा। चीन में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी, कई सड़कें टूट गई, लोंगडान और गांसू की सड़कों पर भरा जबरदस्त पानी। चीन उत्तरी पश्चिमी प्रांत में हुई मूसलाधार बारिश, करीब 6,000 लोगों से इलाका खाली करने के लिए कहा गया।
फिलीपींस की राजधानी मनीला में बाढ़ के कारण हालात हुए खराब। बाढ़ और बारिश में करीब 13 लोगों की मौत की खबर। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 6 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की कई बड़ी खबरों के साथ। ये 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिन पर रिपब्लिक भारत की आज दिन भर नजर रहने वाली है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं वो 5 बड़ी खबरें। कांग्रेस चंदा मांग रही है, 5 रुपए देना होता है, और इसको लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे घाटी में ऑपरेशन खास लगातार जारी है। आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट सेना बड़े स्तर पर चला रही है। तो वहीं बरेली में बुलडोजर एक्शन। आपको बता दें मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंदू इलाके में पत्थरबाजी हुई थी, और अब इस मामले में बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। तो वहीं पुलिस पर दफा 302 क्यों लग रही है यह भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे बादलों का ब्रेक फेल, और लगातार देश के अन्य इलाकों में बारिश का सितम देखने को मिल रहा है और लोग खासे परेशान हैं। तो ये बड़ी खबरें, 5 बड़ी खबरें दिन भर की जिन पर आज रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है। और चलिए शुरुआत करते हैं बरेली से। बरेली में जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंदू इलाकों में पत्थरबाजी का मामला सामने आया, और इस पूरे मामले में अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। जो आरोपी हैं उनके घर पर चलेगा बुलडोजर। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तमाम कहा सुनी हंगामे और बवाल के बाद तेजपाल जिंदगी की जंग हार गया। बेशक दुनिया के लिए तेजपाल के साथ के इस कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये आरोपियों पर कार्रवाई की शुरुआत है। बाबा न गलत होने देते हैं और न ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त करते हैं। यही कारण है कि अकबर नगर से बाबा का बुलडोजर बरेली की तरफ घूम चुका है। बरेली की सड़कों पर पीला पंजा आरोपियों के घर की तरफ बढ़ चुका है। हिंदू परिवारों पर हमला करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। लाइन से तकरीबन 10 घर बताए जा रहे हैं जिस पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई है। संभवतः ये उन्हीं के घर बताए जा रहे हैं जिन्होंने जो हिंसा 19 तारीख को हुई उसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़े हुए थे। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घर आप देख रहे हैं, जो कि अब बुलडोजर जब यहाँ पर चला तो ये घर जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर बने हुआ। हालांकि लोगों का भी कहना है कि अगर इस तरीके से हुड़दंग होगा, इस तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा होगा तो कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई करना जरूरी है। हिंसा के बाद से कई लोग फरार है, तो देखेंगे आसपास के जो घर हैं उनके दरवाजे तो खुले हुए हैं लेकिन घरों के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। बाबा का बुलडोजर भी एक्शन में आ गया है। कई आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। मुहर्रम जुलूस के दौरान विवाद के बाद मर्डर मामले में 75 लोगों के खिलाफ केस दर्ज गए। इनमें 10 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। इस कार्रवाई के पीछे की वजह है इनका ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर घर बनाना। यूपी प्रशासन ने उपद्रवियों की 11 संपत्तियां चिन्हित की हैं। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद बनाने के आरोप हैं। बाकी जमीन पर पक्के मकान बनाकर कब्जा किया गया। अभी तक लगभग 35 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें से 2 गिरफ्तारियां मुठभेड़ के दौरान की गई। उस मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। इसके अतिरिक्त गांव में प्रशासन द्वारा ये देखा गया कि कई आरोपियों के द्वारा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। प्रशासन द्वारा वहां से अतिक्रमण हटाया गया है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है पुलिस की मौजूदगी में। अशरफ और आसिफ के मकान मिट्टी में मिला दिए गए हैं, मिट्टी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तेजपाल को इंसाफ मिलना बाकी है। और उस शाम को करीब 9 बजे 8:30 बजे मतलब हमारे घरों में उन लोगों ने मतलब एकदम हमला बोल दिया। 19 तारीख की रात को मतलब करीब 8:30-9 बजे कितने लोग आए थे? 70-80 लोग थे और 60-70 उन लोगों पे असले थे। डंडे लग गया है, गोलीबाजी चली फायरिंग हुई। हाँ जी। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई? लगभग 2-3 राउंड फायरिंग हुई। अच्छा। हाँ जी।
तो कितने लोग घायल हुए हैं आपके पक्ष के? ये हुए लोग 6-7। मेरे भाई खेत पाथ पे जा रहे थे तो सभी लोगों ने घेर के मारा था। किसने? आधे मारे थे मेरे तेजपाल भाई को। घटना के बाद से ही इलाके में पुलिस की भारी तैनाती है। अब बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, जहां पर एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पर एक बड़ा आरोप लगा है। आरोप लगा है कि वो दरअसल धर्मांतरण करवा रहा था। पुलिस को जैसी शिकायत मिली, पुलिस ने मामला दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की, पूरे इंस्टीट्यूट को सील कर दिया है और अब इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। जबरन धर्मांतरण महापाप है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर कानूनी बताया। बावजूद इसके धर्म के नाम पर गिरोह चलाने वाले लोग बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आया, जहां ब्यूटी सेंटर की आड़ में धर्मांतरण गैंग अपनी दुकान चला रहा था। छात्र छात्राओं को गुमराह कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मामला संज्ञान में तब आया जब ब्यूटी सेंटर के छात्रों ने इसकी शिकायत मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने पहुंचकर पुलिस से की। बच्चों ने कोचिंग संचालक पर जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर और चौंकाने वाले थे। छात्रों के मुताबिक कोचिंग के अंदर छात्रों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। क्लास के दौरान उन्हें इस्लाम धर्म के फायदे गिनवाए जाते थे। हिंदू लड़कियों को कोचिंग में पढ़ने वाले मुस्लिम लड़कों से दोस्ती के लिए कहा जाता था। हिंदू बच्चों को नॉनवेज खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इतना ही नहीं, बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर आने पर रोक लगा दी गई थी। ब्रेन वॉश ये किया जाता है कि वो पहले एक हिंदू थी और उन्होंने वो कन्वर्टेड हुई है, वो मुसलमान बनी है, तो उन्होंने शादी की। तो वो हमें कहानियाँ बताती है कि देखो मैं 19 साल की एज में घर से भाग गई थी और देखो आज मैं अपने परिवार के साथ इतना खुश हूँ। मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत खुश रखते हैं और मेरी जो फैमिली थी वो भी आज मान गई है। अगर इन फ्यूचर तुम भी ऐसा कुछ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छात्रों की शिकायत के बाद धर्मांतरण गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। सेंटर के संचालकों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। पुलिस ने डायरेक्टर शहनवाज खान और उसकी पत्नी रकश नंदा खान के खिलाफ में धार्मिक आस्था